दोस्तों जब तक ये था बहुत सही था, जब से ये आया जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है। जब तक ये था तब तक सही था, और जब से ये है तब से जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो गई है। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए कितना टाइम आप लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लगभग 1/4 जो डे है आप लोगों का, यानी कि लगभग 6 घंटे मिनिमम आज के डेट में आप लोग सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर इनमें से कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये हो गए। तो एक टाइम था ये दूरदर्शन हुआ करता था, उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ चीजें आप लोगों को दिखा करती थी कि हाँ वीक में एक बार शक्तिमान आ गया, और बाद में पता चला यार शक्तिमान ही गंगाधर था। एक टाइम ऐसा था कि चित्रहार आया करता था, और वीक में एक मूवी आया करती थी जैसे तैसे लेकर, उसके पीछे हम लोग लगे रहते थे कि यार मूवी देखनी है। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, अगर गिनती करने बैठेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, अमेजन, हॉटस्टार, या फिर पता नहीं कितने सारे हैं, इनकी अगर गिनती करता चला जाऊं तो ये खत्म नहीं होंगे। तो ये जो सिचुएशन आज के डेट में आपके चारों ओर आप लोगों को देखने को मिल रही है, अगर इस पे आप लोग अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। जैसे आप लोगों को पता है कोरोना आया, एक टाइम पर सारी गवर्नमेंट लग गई कि कोरोना को कंट्रोल करना है, ये करना है, वो करना है, पर उनको समझ में आ गया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, फिर जनता के ऊपर छोड़ दिया, भैया अपने आप कर लो। वही कंडीशन आज के डेट में सोशल मीडिया हैंडल की है। आप लोगों के सामने दुनिया भर के सोशल मीडिया हैंडल है आज के डेट में। अभी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अपने मोबाइल को कैसे यूज करना है। आज की डेट में आप लोग खुश होते हो मोबाइल खोलते हो, दुखी होते हो मोबाइल खोलते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो मोबाइल खोलते हो, टाइम पास करना है मोबाइल खोलते हो, कोई मूवी देखनी है मोबाइल खोलते हो, कुछ भी काम करना है, कहीं जा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल साथ में रहता है। आप लोग इससे थोड़ा सा टाइम दूर भी रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से ये जिंदगी का पार्ट बन गया है, उतना ही ज्यादा लार्ज स्केल पर ये जिंदगी को बर्बाद भी कर रहा है। तो जो चीजें फायदेमंद होती है उसको यूज कीजिए, पर लेकिन इतना भी नहीं कि वो आप लोगों को कंट्रोल करने लगे। आप लोग 24 घंटे मोबाइल के कंट्रोल में रहते हैं आज की डेट में, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। जब यहाँ पर दूरदर्शन हुआ करता था, शक्तिमान हुआ करता था, ये सारी चीजें, उस टाइम पर कोई ज्यादा सामने ये नहीं था कि यार ये इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये होगा या वो होगा। पर लेकिन आज की डेट में आप लोग देखिए, जरा जरा सी मिनट भी अगर किसी पर्टिकुलर ऐप पर आप लोग देते हैं, अगर मान लीजिए 10-10, 20-20 मिनट भी आप लोग एक ऐप पर बिताते हैं, व्हाट्सएप 20 मिनट चला लिया, फेसबुक 15 मिनट चला लिया, तो इस तरीके से अगर पूरे दिन का आप लोग एवरेज निकालेंगे तो 1/4 डे आप लोग आराम से इसके अंदर अपना खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें समझिए और अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, वरना चीजें सपनों में रह जाएगी, जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने सपनों को अचीव करना है तो इन चीजों से आप लोगों को बचना पड़ेगा, इनको मैनेज करना आप लोगों को आना चाहिए, तभी चीजें आप लोग सुधार पाओगे।